और यही चीज कल नाइट परमेश्वर ने मुझसे बात की और कल मुझे परमेश्वर ने बोला कि ये तीन थस्ते तीन वा वीरवा ये जो अभी आएगा एक दो और तीन, इसमें मेरे लोगों को बता कि मैं हर सस्ते की मीटिंग में वीरवार की मीटिंग में जो लोग आएंगे उनको मैं आशीष करूंगा और उनके जीवन में बड़ा छुटकारा दूंगा। हमें सिस्टर का नाम गुरमीत कौर है और जिस सुल्तानविंड के रहने वाले हैं, इनकी बहुत बड़ी गवाही है। जिस सिस्टर बता रहे कि जिस 60 साल से रेंट पर रहते थे, किराए पर रहते थे और इनकी दो पीढ़ियां ऐसे किराए पर थी, पहले जो किराए पर थे अभी इनके जो बच्चे हैं वो भी ऐसे किराए पर ही थे और ये बहुत परेशान थे क्योंकि जो 60 साल से ऐसे रेंट पर रह रहे थे। और जिस सिस्टर बता रहे कि जो प्रभु के ऊपर बिलीव करते करते इनको अभी 5 साल हो गए पर इस यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए अब इनको 6 महीने हुए। और जैसे जी सिस्टर थर्सडे और संडे की मीटिंग में आते थे और जैसे प्रभु के दास के मुख से हीलिंग होती थी कि जिनके घर नहीं है, जिनको जिनके पास मकान नहीं, परमेश्वर ने ब्लेस करने वाले, तो जी सिस्टर बताते कि जी हर समय रिसीव करते रहे, प्रार्थना में बने रहे। और जैसे ही जब बता रहे कि प्रभु के दास के मुख से 28 नवंबर संडे की मीटिंग दिन वर्ड आया था कि जो तीन थर्सडे की मीटिंग को अटेंड करेंगे परमेश्वर उनको आशीष करेंगे। तो जैसे ही जे सिस्टर फर्स्ट थर्सडे की मीटिंग में आए तो परमेश्वर ने इनको न्यू प्लान जो कि इनको 2.5 मरले का प्लान मिला और जब बता रही कि वो 10,000 गज में था, गज का था जो कि इनको 10,000 गज में मिल रहा था, पर ये प्रार्थना में बने रहे। और जब बता रही कि वही प्लाट इनको अभी 4,000 गज में मिला है जो कि इन्होंने उनके पैसे जो थे 1,80,000 दे दिए। इनके पास कोई भी पैसा नहीं था क्योंकि जो रेंट पर रह रहे थे, ना इनके पास इन्होंने ऐसे कोई कमेटी डाली हुई थी। जो बता रहे कि इसका इंतजाम भी परमेश्वर ने किया और जैसे जिस किसी ने इनकी हेल्प की है और अभी इन्होंने कुछ समय बाद इनको देने हैं, पर जो बता रहे कि जो हेल्प भी परमेश्वर ने की है, पर जैसे प्रभु के दास के मुख से जो वर्ड आया था इन्होंने फर्स्ट थर्सडे की मीटिंग को अटेंड किया। और जब ये बता रहे कि सेकंड थर्सडे की मीटिंग में आए तो उस दिन इनकी रजिस्ट्री अभी नहीं थी हुई और जैसे जी उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए और परमेश्वर ने वो रजिस्ट्री भी इनके नाम कर दी और ये बहुत खुश है कि परमेश्वर ने जैसे इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया। पहले हम उस वीडियो क्लिप को देखते हैं। मैं आपको मैं जी ये चीज बाद में बताने वाला था पर परमेश्वर मुझे कह रहा है बोल। और ये चीज कल नाइट परमेश्वर ने मुझसे बात की और कल मुझे परमेश्वर ने बोला कि ये तीन थस्ते तीन वा वीरवा ये जो अभी आएगा एक दो और तीन, इसमें मेरे लोगों को बता कि मैं हर सस्ते की मीटिंग में वीरवार की मीटिंग में जो लोग आएंगे उनको मैं आशीष करूंगा और उनके जीवन में बड़ा छुटकारा दूंगा। हमें क्या दूंगा? जितने लोग इस सस्ते की तीन मीटिंग को अटेंड करेंगे बोलो क्या करेंगे? जितने लोग इस सस्ते की तीन मीटिंग को अटेंड करेंगे उन्हें मैं बहुत ब्लेस करूंगा, छुटकारा भी बोलना। अभी देखो अभी ये आशीष वचन है, अभी देखो सुनकर कितने लोग पूरा करते हैं। उन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया था तो फर्स्ट थर्सडे परमेश्वर ने इनको जगह दिखाई, उसके लिए उन्होंने बातचीत की और सेकंड थर्सडे की मीटिंग जब इन्होंने अटेंड की तो परमेश्वर ने जो इनकी रजिस्ट्री थी इनके नाम कर दी और अभी इन्होंने जो टोटल पैसे देने थे वो 2,55,000 देने थे और उससे इन्होंने 1,80,000 दे दिया है और इसका इंतजाम भी परमेश्वर ने किया है। और आज ये थर्सडे की मीटिंग को अटेंड कर रहे तो अपनी गवाही के साथ आए कि परमेश्वर ने
इस प्लाट के साथ इनको ब्लेस कर दिया है और जे बहुत खुश है कि परमेश्वर ने इनकी गवाही को बनाया। जे बहुत परेशान थे और आज बहुत खुश है कि जैसे 6 महीने में जो विश्वास में बने रहे तो आज गवाही के साथ खड़े। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया इस गवाही के लिए। ये तारीफ खड़े होकर वैसे होनी चाहिए। 60 साल कोई बंदा रेंट पर है और 3 थर्सडे की मीटिंग के वचन को ग्रहण करने के बाद, पूरा करने के बाद, आज खुदा ने ब्लेस किया, आपके सामने खड़े हैं। हाँ, और कोई सेविंग नहीं, सेविंग समझते नहीं, जैसे कुछ लोग इकट्ठा करते हैं, कमेटी डालते हैं कुछ अलग तरीके से, कोई सेविंग नहीं, कुछ इकट्ठा नहीं, कोई इंतजाम नहीं है कि हमने घर लेना है, क्या लेना है। इसीलिए बाइबल में लिखा, उसने कहा शेर के भूखे बच्चे भूखे रह सकते हैं पर मेरे तालिबियों को, जो मेरे तालिब हैं, उन्हें कोई घटी, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपकी क्या जरूरत है, आपकी आपको हीलिंग चाहिए वो जानता है, हाँ, आपको ब्लेसिंग चाहिए वो जानता है, आपको जॉब चाहिए, बेबी चाहिए, घर चाहिए वो जानता है। बोलो क्या है वो जानता है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है जो मनों को जानता है। बोलो क्या है। और इन्होंने उस वचन को सुनकर पूरा किया। पहले थसने आए, सेकंड परमेश्वर ने रास्ता खोला, क्या रास्ता खोला, 2.5 मरले का प्लॉट, पहले बोल रहे थे 10,000 रुपए गज, 10,000 रुपए गज के हिसाब से 2.5 मरले तो ज्यादा कॉस्टली, बहुत कीमत ज्यादा थी, इतने पैसे कहां से ये लाए, पर परमेश्वर महान। बोलो क्या है, जो लोगों के माइंड को, मन को बदल देता, कहां 10,000 गज, कहां 4,000 गज से परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया, सिर्फ 4,000 से, हाँ, जिसे कोई सेविंग नहीं, कोई कमेटियां नहीं डाली, इकट्ठा नहीं किया, 1,80,000 रुपया ये पेमेंट दे चुके हैं, टोटल 2,55 है और बाकी का भी परमेश्वर जल्द इंतजाम कर चुके हैं। क्योंकि मैं इसीलिए कहता हूं, कुछ लोग पता नहीं क्यों अपनी निर्बुद्धिता से वो चीजें करते हैं। और मैं इसीलिए, मैं जब मैं आया था तो मैं शुरू में यही चीज आपको बोल रहा था कि ऐसे नहीं है कि कुछ लोग, क्योंकि सबसे पहले तो ये ऐसे नहीं है कि अगर खुदा ने मेरे मन में इस वचन को लगाया और मैंने कहा इस तरीके से करो, हम रिजल्ट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, हम रिजल्ट देख रहे हैं, हम गवाहियां सुन रहे हैं। ऐसे नहीं कि नहीं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, कितनों को समझ आ रही है। और ये छोटी बात नहीं है, 7 साल से ये रेंट पे थी और इनके जो हस्बैंड है, खुद के बच्चे हैं, हाँ, खुद की मैरिज हुई तब से ये रेंट से, आगे बच्चों के बच्चे हो गए, देखो। और आज खुदा ने वर्ड दिया, वचन दिया, और कैसे परमेश्वर ने, हाँ, एक बंधन है, बोलो क्या, एक श्राप का बंधन है, और इस वचन को पूरा करने से उस श्राप के बंधन को परमेश्वर ने तोड़ा है। क्या किया है, क्योंकि कुछ चीजें लॉक होती हैं, क्या होती है, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन श्रापों को तोड़ता है। क्या करता है आपके जीवन से, वो तोड़ता है, जैसे इनके जीवन से तोड़ा, और आपके भी तोड़ेगा, आपको भी सेम ऐसे ब्लेस करेगा। अपने हाथों को उठाकर तारीफ करो, कोई ओ देवर के भरते कम नहीं कर सकता, कोई ओ देवर के भरते कम नहीं कर सकता, ओदी दया सदा दी होते सब कुछ कर सकता, ओदी दया सदा दी होते सब कुछ कर करी जाए, करी जाए यहोवा अनोखे कम करी
हालेलुया।